जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। हम इसमें बात करते हैं डिफेंस और ज्ञान से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। तो आज हम जानेंगे टॉप 3 डिफेंस अपडेट के बारे में जो कल से लेकर आज हुई है हमारे देश में या हमारे देश से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। हमारी पहली डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इंडिया और अमेरिका के बीच से। इंडिया ने या मोदी गवर्नमेंट ने इन्विटेशन भेजा है एज ए चीफ गेस्ट डोनाल्ड ट्रंप को बनाने के लिए 15 अगस्त पर, जिसको कन्फर्म कर दिया है व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सैरा सैंडर्स ने। उन्होंने कन्फर्म किया है कि इंडिया ने हमको चीफ गेस्ट के तौर पे 15 अगस्त को इनवाइट किया है, इस बात को कंफर्म कर दिया। लेकिन उन्होंने इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है कि डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को एज ए चीफ गेस्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस डे में शरीक होंगे या नहीं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी डिफेंस अपडेट की तरफ। ये दूसरी डिफेंस अपडेट आ रही है हमारे जो तेजस विमान है, जो नेवी वर्जन है तेजस विमान का, उसने एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट पास कर लिया है। उसको एक आर्टिफिशियल टेक से टेक ऑफ करना था, जो उसने सक्सेसफुली टेक ऑफ करके ये टेस्ट पास कर लिया। अब जल्दी ये नेवी के लिए बनके तैयार हो जाएगा और इसको हम अपने जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनात करने की सोच रही है इसको इंडियन नेवी जो है। तो इसी टेस्ट को कल ही हमारे जो तेजस विमान ने पास कर लिया, जो कि नेवी का वर्जन था, उसने पास करके बहुत ही अच्छा कार्य किया, क्योंकि हम अपने इंडिजीनियस वेपन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी हो, हमें अपने इंडिजीनियस वेपन बनाते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब हमको या तो मिग 29K के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, या फ्रेंच से हम लेने वाले थे डेसॉल्ट के जो रफेल हैं, जो नेवी वर्जन, उनको हमें अब नहीं लेना पड़ेगा। लेंगे तो हम उन्हें बस बहुत ही कम मात्रा में लेंगे, जो बस हमें ज़रूरत के हिसाब से चाहिए होंगे, बाकी के हम तेजस के नेवी वर्जन को यूज करेंगे। तीसरी डिफेंस अपडेट की तरफ। तीसरी डिफेंस अपडेट आ रही है वियतनाम और इंडिया के बीच से। वियतनाम का एक इम्पॉर्टेंट दल इस टाइम पे भारत की यात्रा पे आया हुआ है और ये इस दल का मेन मकसद है कि वो इंडिया से जो वेपन लेने वाला है वियतनाम, उन वेपन सिस्टम की जाँच परख करना और उनके प्राइस को नेगोशिएट करना इंडियन जो उनके काउंटर पार्ट है उनके साथ। और ये जो दल आया है, ये जो दल आया है ग्वेन ची बिन के अगुवाई में, लेफ्टिनेंट ग्वेन ची बिन के अगुवाई में। और ये जो दल है ये आया है 11th स्ट्रेटेजिक डायलॉग किप में पार्टिसिपेट करने। इसमें ये पार्टिसिपेट करने के दौरान ये बात करेगा इंडियन काउंटर पार्ट से, जो हम उनको आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल बेचने वाले हैं उनके बारे में। और ये जो ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर हैं उनको लेना चाहता है वियतनाम, उनके बारे में ये जानना चाहते हैं। और तीसरा, ये ब्रह्मोस मिसाइल लेने का बहुत ज़्यादा इच्छुक है वियतनाम। तो सबसे ज़्यादा ये इसी के बारे में बात करने आए कि जल्दी से जल्दी इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को बेच दे, क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल लेने के वियतनाम काफ़ी दिन से इंटरेस्टेड है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे और वियतनाम दोनों के लिए, क्योंकि वियतनाम चाइना के अगेंस्ट है और इंडिया भी चाइना की पॉलिसी के अगेंस्ट है वियतनाम और इंडिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी वीडियो देखते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।